राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जयपुर की RSDCL की टीम ने नोक सोलर पार्क में सोलर प्लांटों का भ्रमण किया। जयपुर टीम के तकनीकी प्रबंधक सुरेश कुमार ने बताया कि सोलर प्लांट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी अधिकारी आलोक के नेतृत्व में RSDCL के अधिकारियों की टीम ने समस्त कामों के बारे में संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेते हुए उसमें होने वाले कामों के बारे में टीम को बताया। जयपुर अक्षय ऊर्जा निगम के अधिकारी ने बताया कि यहां पर NTPC के 3 पावर प्लांट 245 मेगावाट के लगाए जा रहे हैं। PPS के अधिकारी RP सिंह ने बताया कि PPS 4 नंबर चालू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम विकास को लेकर पहले भी कई काम करवाए गए हैं। इसके साथ साथ स्कूलों तथा अस्पताल में भी CRS फंड के तहत कुछ कार्य करवाए गए हैं। CCL की तरफ से हमारे ACS महोदय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी आलोक सर के इंस्ट्रक्शन पे, उनके डायरेक्शन पे RSDCL के अधिकारियों का यहाँ नोक में भ्रमण किया जा रहा है। यहाँ जो हमारे 4 PPS बनाए जा रहे हैं उनको सबको दिखाया जा रहा है कैसे काम चल रहा है। यहाँ NTPC के 3 पावर प्लांट 245 मेगावाट के लगाए जा रहे हैं, उनका भी देखा जा रहा है कि कितना काम हो गया, कितना अभी पेंडिंग है। तो ये सारा यहाँ का भौगोलिक स्थिति और सारा यहाँ डेवलपमेंट जो रिन्यूएबल सेक्टर में हो रहा है उसके बारे में सभी अधिकारियों को, हमारे साथ अकाउंट्स के भी अधिकारी हैं और टेक्निकल अधिकारी हैं, उन सभी की विजिट की कराई जा रही है। कुछ लोग जो ऑफिस से ही मतलब देखते हैं काम, तो उनको फिजिकली इनको यहाँ दिखाया जा रहा है, उनको अवगत कराया जा रहा है और इससे यहाँ जो प्रोग्रेस हो रही है उसको भी देखा जा रहा है और जल्दी से जल्दी इन पावर प्लांट्स को चालू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे PPS पे 1, 2, 3 पे भी बहुत तीव्र गति से यहाँ कार्य चल रहा है। PPS 4 ऑलरेडी यहाँ चालू स्थिति में है और राइजिंग सन का 190 मेगावाट की पावर, उसको पावर सेल की जा रही है PGCL के GSL से जुड़ी हुई यहाँ बड़ला 2 पे कान सिंह की सीट पे, और जल्दी ही इन कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सिंह साहब यहाँ इन चारों GSS के यहाँ पर PPS के इंचार्ज हैं RB सिंह जी साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर, और उनकी देखरेख में कार्य यहाँ तीव्र गति से कराया जा रहा है और आगे ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू। यहाँ पे पार्क लग रहा है, गांव विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? गांव वालों के लिए यहाँ पर जो इतने बड़े पार्क लग रहे हैं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ गांव वालों के लिए रोजगार पैदा होगा। और यहाँ CSR में अभी हमने 9 गांव के लिए यहाँ पर हाई मास्ट लाइटें लगवाई हैं और यहाँ कचरे के लिए एक गाड़ी जो गांव का कचरा वेस्टेज है उसको हटाने के लिए, मतलब कचरा को वहाँ से पिक करके हटाने के लिए एक गाड़ी दिया अभी। और कुछ स्कूलों के लिए यहाँ पर हमने बच्चों के लिए टेबलें कुर्सियाँ उनका हमने इंतजाम किया CSR के अंतर्गत, और आगे भी हम गांव के विकास के लिए ये कार्य कंटिन्यू करते रहेंगे। गांव वालों को यहाँ रोजगार मिलेगा, एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी यहाँ कंपनियाँ आ रही हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ आ रही हैं, तो गांव का यहाँ बहुत विकास होने वाला है, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ हॉस्पिटल को लेकर आपने क्या किया? हॉस्पिटल के लिए यहाँ से आप सरपंच के माध्यम से यदि कोई रिक्वायरमेंट भेजते हैं हमारे को, तो नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में हम हॉस्पिटल के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू।